जय माँ काली पावा गढ़वाली, जय माँ काली पावा गढ़वाली के चरणों में वंदन करते हुए आज हम उस तालाब की बात करेंगे जो 518 साल पहले खोदा गया था। जी हाँ, हमको हमारे जल स्रोतों को देखना चाहिए। मैं इस बोर्ड से इस बात को एक प्रामाणिकता के रूप में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है अखे लाव तालाब, यह तालाब राव अखे राज पहला ने जो उड़ना अखे राज के नाम से मशहूर हैं, विक्रम संवत 1560 और सन गिनेंगे तो 1503 ईस्वी में बनवाया था। और इसमें उस समय ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यहाँ मछली आदि का को नहीं पकड़ा जाए। आज हम इस तालाब को देखना चाहिए और ये इतना अद्भुत तालाब रहा है। अब सोचिए, एक एक आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 550-600 साल पहले सिरोही बसाया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद पहला काम तात्कालिक शासकों के मन में ये आया होगा कि हमको पानी का स्टोरेज करना चाहिए। ये उनकी दूरदर्शिता थी और उसी दूरदर्शिता के चलते उन्होंने सिरोही में सात बड़े तालाब, कोई छोटी बात नहीं होती, छोटे से शहर में सात बड़े तालाब खुदवाए और उसका एक विज्ञान के तरीके से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है और पहाड़ों की बहुत क्षेत्र में पहाड़ फैले हुए हैं और स्वाभाविक रूप से उन पहाड़ों में बरसने वाला पानी, बहुत तेज़ी से बरसने वाला पानी, अगर उसको नहीं रोका गया तो वो बहकर निकल जाता है। तो हमारे पूर्व शासकों की उस विज्ञान को सबसे पहले तो नमन है और उनका आभार भी है कि आप कल्पना कीजिए, अगर ये तालाब नहीं खोदे गए होते, नहीं बनाए गए होते, हालांकि ऐसी मूर्खता पूर्व शासकों के मन में कभी होती नहीं होगी क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे। और उन्होंने ये सात तालाब, आज हम इस अखे लाव तालाब या कालकाजी के तालाब को हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम इनका संरक्षण कैसे करें। संरक्षण कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता और इस समय की परिस्थितियां कुछ बदली है और बदली इस तरह से है, हालांकि 2010 से सिरोही में तालाबों की तरफ ध्यान देना शुरू हुआ था। हम सब जानते हैं जल बिरादरी के से हुई शुरुआत, आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन तक चली और उसके बाद में वर्तमान जिला कलेक्टर साहब की प्रबल इच्छा है, ये बात कहते हुए एक हर्ष भी हो रहा है, प्रबल इच्छा है कि प्रशासन चाहता है इन तालाबों के ऊपर काम हो। आज हम इस तालाब को बहुत ध्यान से देखें साहब, पहले अब नहीं जानते, इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन 518 साल पहले, अब सोचिए 518 साल पहले जब साधनों के नाम पे कोई जेसीबी पॉकलैंड मशीन नहीं होती थी और इतने विशाल तालाब को, और एक साइंटिफिक तरीके से ये सिरणवा की बहुत लंबे क्षेत्र में बरसने वाले पानी को कैसे रोका जाए और उसके लिए छोप और भुज और जो तमाम नाले या उस समय नदियों का रूप हुआ करते थे, वो उस पानी को टुकड़ों में रोका गया था। सोचिए जरा कि उसको सबसे पहले छोटे तालाब में पानी आएगा, हम एक बार देखिए आप कितनी सीढ़ियां, और आप इसको क्यों नहीं डेवलप हम कर सकते हैं साहब, हमारा आलोचनात्मक रवैया बिल्कुल नहीं है, हमारा सिर्फ एक इच्छा है कि हम इसको एक नक्की लेक बनाया जा सकता है। इसको जब हम उदयपुर के झीलों की बात करते हैं तो एक पर्यटक का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा सकता है।
अब विषय आता है कि प्रशासन की अब इच्छा हुई है, ये हम थोड़ा सा इसमें भी बता दें आपको कि कितनी मिट्टी जमा है, थोड़ा सा इसका साइंटिफिक पक्ष आपको बता दें कि यहाँ गहरा है, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसमें सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों डंपर मिट्टी निकाल के उसका दूसरी जगह उपयोग लिया जा सकता है और जो भी संभव हो वो काम किए जा सकते हैं। बरसात आने के 45 दिन मान सकते हैं हम, 40-45 दिन शेष हैं और बरसात जल्दी भी आ सकती है, लेकिन हम शुरुआत करें और सीधी सीधी शुरुआत करें। मशीनरी का ज़माना है, हमारे इस सिरोही ज़िले में प्रशासन की जागरूकता को मैं नमन करता हूँ, ये इस विषय पे भी आपको बताऊँगा। ये स्वच्छ जल भरा है यहाँ के समाज सेवियों ने, जल ही जीवन है, अब ये ऐसा ही निर्मल जल है। अब यहाँ देखिए ये टीले और ये जो कितना एक तरह से सिल्ट को जमा होते होते आज ये इस सिल्ट का पहाड़ हो गया और इसमें सीधा और सच्चा एक अवसर मिला है हमको इसको खोदने का, चूंकि ये दो तालाब हैं पास पास, मानसरोवर और ये कालका जी का, और उससे आगे छोटा तालाब लाखेराव तालाब, और उधर धांधेराव और नील सागर और इस तरह से। लेकिन हम इन तालाबों को और ख़ास तौर से इस तालाब को खोदने की शुरुआत कर देनी चाहिए और अविलंब कर देनी चाहिए। शहर के या जो भी सिरोही से या जो भी जल संरक्षण के अभियान से प्रेम करते हैं उनको स्वैच्छिक रूप से आना चाहिए। प्रशासन की पहल तभी काम करेगी और कैसे भी हो इसको हमको खोदना ही चाहिए, और बरसात आने से पहले अगर हम इसको मैक्सिमम घेरा कर सकें। देखिए बरसात का एक दस्तूर होता है, हर 3-4 साल में पानी गिरता है और काफ़ी मात्रा में गिरता है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाव हैं कि मैं पानी की बात करता हूँ और पानी के लिए काम होना चाहिए। बात यहाँ आके अटकती है कि आज से 2-3 साल पहले हमने देखा है अमृत जैसा पानी व्यर्थ बहके चला गया, और वो बहके नहीं गया, उसने तबाही मचाते हुए बहके गया था। तो क्यों ना अब आप इस टीले को देखिए, यहाँ खुदाई होनी चाहिए साहब, और कैसे भी होनी चाहिए, और इसमें स्वेच्छा से होनी चाहिए। प्रशासन को जिस रूप में भी मैंने जब कुछ यहाँ के भमासाओं से या जो जल पुरुष हैं उनसे बात की तो उनका एक ही कहना है कि इसकी पहल अगर प्रशासन ने की है तो प्रशासन इसकी पहल करे, समाज जुड़ जाएगा। तो इसी के साथ एक इसको किसी भी रूप में लें, लेकिन बहुत विशाल तालाब है और ये कमाल का तालाब है, ये भर चुका है, ये इसमें अगर हम सिल्ट देखें और इसका जो भी उपाय हो, आप सोचिए 518 साल पहले सिरोही की बसावट के कुछ साल बाद या कुछ दशक बाद पहला ये काम करना कि तालाब खोदना, इतना विशाल तालाब खोदना। उस समय मशीनरी नहीं हुआ करती थी, केवल मैन पावर होती थी और उससे ये तालाब खोदा गया। हम देखिए इन टीलों को खोद दें साहब, इसको बहुत आवश्यक रूप से खोद दें, इसी अपील के साथ। ये हम हमारे जल स्रोतों को देखते रहें। देखिए पानी सबको चाहिए, पानी के लिए हम केवल हाहाकार करके हम हमारे इतिश्री नहीं कर सकते कि पानी नहीं आ रहा। पानी आखिर जमीन से निकाला जाएगा और पानी जमीन में डालने की प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी। और इसी ये देखिए टीला, देखिए इस टीले पे अगर हम चढ़ के देखेंगे तो खोदने की आवश्यकता है। बस इसी के साथ इसको अपील समझें, इसको निवेदन समझें। खैर अपील का हक एक नागरिक होने के नाते हम कर सकते हैं, और लेकिन इसको खोदना चाहिए और इसमें कोई विवाद नहीं है, और इस विवादों से बचते हुए इस काम को करें, क्योंकि बरसात आने वाले मार्गों में अगर कहीं कोई छोटे मोटे अवरोध हैं उनको पानी अपना आप तोड़ देगा। उसके लिए मेरे हिसाब से मेहनत की आवश्यकता शुरुआत में नहीं है,
पहली मेहनत ये होनी चाहिए कि इसको गहरा किया जाए इसी के साथ। और इस वीडियो को आप देखें, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। नमस्कार।